इन दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पे, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। मैं फिज़िकली थोड़ा फिट नहीं था, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। अब वीडियो कंटिन्यू आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था, मैं पिछले वाले पार्ट में आपको बताया था कि नेशनल में किस तरह से जाएँ, ठीक है, तो उसमें सारा प्रोसेस बता दिया था कि कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न ये था कि भाई हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मीट से स्टार्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से आप जीत के जाओगे स्टेट, स्टेट से फिर नेशनल, ठीक है, जोन भी होता है साथ में, नेशनल, नेशनल में अच्छा करोगे एशियन गेम्स वगैरह, या फिर आप और अच्छा करोगे तो ओलंपिक भी जा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है सिस्टम, मैं आपको बताया कि सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि एकदम बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है डिस्ट्रिक्ट से। आपको कुछ भी नहीं पता है, मान के चलो आपको कुछ नहीं पता है, आपको अपना रनिंग में करियर बनाना है, ठीक है, एथलेटिक्स में करियर बनाना है, तो यहीं से मैं आज आपको समझाऊंगा। और पिछले वाले वीडियो में कुछ मैंने कमेंट भी उठाए हैं, ठीक है, कमेंट, और मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज वगैरह भी आया है, तो 10 लोगों का मैं रिप्लाई अभी दूंगा उनका नाम पढ़ के, क्या क्या उन्होंने पूछा और उनका रिप्लाई क्या है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में कैसे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, जिला स्तर में। सबसे जो बेसिक चीज़ है यहीं से स्टार्ट होगा सबसे, अगर यहाँ से, अगर आप यहाँ खेलना सीख गए, यहाँ आपका पोजीशन हो गया, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, आप आगे जाते जाओगे, ठीक है, अपने टैलेंट के अनुसार। तो मैं इसके लिए, मैं आपके लिए लिख के रखा हूँ ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको समझ में आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, स्टेट में फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और उसके बाद नेशनल, ठीक है। और स्टेट में भी कोई फिक्स नहीं कि फर्स्ट सेकंड वाला को भेज दें, कोई कोई स्टेट वाले अपना क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रख देते हैं, ठीक है, वो आपके स्टेट के अनुसार है, आपका स्टेट एसोसिएशन जो है, एथलेटिक एसोसिएशन क्या रखते हैं आपके अनुसार है, ठीक है। तो उतना नहीं सोचना है, लेकिन 99% अगर आप डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप स्टेट में फर्स्ट सेकेंड करते हैं तो आप नेशनल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, कैसे खेलें, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे पता करना है। तो सबसे पहला चीज़, जो पहला चीज़ मैं इसमें लिखा हूँ कि कोई सीनियर प्लेयर आपके आसपास में, किसी का आपने नाम सुना हो कि यार वो खेला है या फिर वो खेलता है, उसका रेस बहुत अच्छा है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो आप उनसे बात करें, उनसे पूछें, उनसे टच में रहें, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ कि कोई कोच वगैरह को आप देखते हैं, ठीक है, कोई कहीं प्रैक्टिस वगैरह करवा रहे हैं तो उनसे संपर्क में रहें, उनसे पूछते रहें कि सर डिस्ट्रिक्ट मीट कब होगा। देखिए, जो जूनियर का डिस्ट्रिक्ट मीट होता है वो खास करके होता है अगस्त के आसपास का, ठीक है, अगस्त के आसपास का, ये कोरोना के चलते इस बार बढ़ रहा है, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मीट, स्टेट मीट वगैरह अभी तक पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो मैं हर साल के लिए, ये वीडियो ऐसा नहीं कि बस अभी 2 महीने के लिए देखोगे और ख़त्म, ये जब तक चलेगा तब तक आके लिए वीडियो है, ठीक है। तो हर साल यहाँ पर हमारे अगस्त में जो होता है डिस्ट्रिक्ट स्टेट मीट के आसपास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मीट होता है जूनियर का, और सीनियर का जो होता है वो भी यह होगा आपका जून जुलाई के आसपास, ठीक है। सीनियर का जो नेशनल होता है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल जो होता है वो होता है अगस्त में, और सीनियर मतलब कि 20+ वाले लोग, ठीक है। और पिछले वीडियो मैंने बताया था कि शायद 23 एज कैटेगरी भी जुड़ गया। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। अगर आपको रनिंग में करियर बनाना है, प्रोसेस वगैरह समझना है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें बता दिया, जो जूनियर का होता है वो जूनियर नेशनल जो होता है वो होता है नवंबर में, ठीक है, और नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जो होता है, ठीक है, निडजेम, ये वाला देखिए निडजेम, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आप अपने डिस्ट्रिक्ट से जाते हो और पार्टिसिपेट करते हो, इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आते हैं पार्टिसिपेट करने, उसमें ये पोजीशन है, ठीक है, पहला चीज़ ये। तो ये सब चीज़, ये होता है दिसंबर में ये, और जूनियर नेशनल होता है नवंबर में, इन सब से 3 से 4 महीना पहले होता है आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ठीक है, अप्रोक्स। तो अगस्त के आसपास आपका हर साल अगस्त के आसपास आपका, अगर जूनियर है 20 साल से नीचे हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट मीट हो जाएगा, ठीक है, और सीनियर है तो जून जुलाई के आसपास डिस्ट्रिक्ट मीट हो जाएगा, 20 साल से अगर ऊपर है, ठीक है। तो पहला जो आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से पता लगाना है, ग्राउंड का कोई कोच वगैरह आपको प्रैक्टिस करते हुए दिखाते हैं तो उनके टच में रहना है, ठीक है। दूसरा, कोई भी आपके अगल बगल में जितने भी स्कूल हैं, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह है, उनके फिज़िकल एजुकेशन के टीचर से, प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट में रहिए, ठीक है, पूछते रहिए कि सर डिस्ट्रिक्ट मीट कब होने वाला है,
ठीक है, कब होगा, मुझे खेल में पार्टिसिपेट करना है, करियर बनाना है, रनिंग में, एथलेटिक्स में करियर बनाना है, मैं अच्छा दौड़ सकता हूँ मुझे लगता है, या मेरे दोस्त बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा अपने आप पर विश्वास है कि मैं आगे कर सकता हूँ, इंडिया के लिए मेडल ला सकता हूँ, अपने अपने राज्य के लिए मेडल ला सकता हूँ, तो ज़रूर आप ये चीज़ करते रहें। ठीक है, देखिए शुरू बार में आपको दिक्कत होगा, एक बार अगर आप डिस्ट्रिक्ट खेल लेते हो एक बार एक साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको फिर पता चल ही जाएगा, बहुत सारा सर्किल बन जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे प्लेयर जो होते हैं, ठीक है, एक दूसरे में जलने वाले भी रहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मीट होगा तो नहीं बताएंगे, ठीक है, ऐसा बहुत सारा होता है, तो ऐसा नहीं कि बस आप एक ही के पे ऊपर पड़े रहो कि भाई तू ही बताना, जब होगा हम आँख बंद करके सोए हैं, नहीं, दिमाग खोल के रखना है, ठीक है, पहला बार के लिए, उसके बाद दूसरा बार के लिए आपको ग्रुप वगैरह बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा, जितने भी स्कूल के फिजिकल एजुकेशन के टीचर प्रोफेसर वगैरह हैं, ठीक है, उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए, पूछते रहिए कब होगा। ठीक है, मैंने बता दिया जो जूनियर है उनका अगस्त के आसपास होता है, लेकिन इस बार 10 नवंबर, 8 नवंबर, 5 नवंबर के आसपास होगा, और झारखंड और बिहार का तो मैं बता दूंगा अपने जब भी होगा, और जितना भी स्टेट है सारा स्टेट का लगभग एक ही डेट के आसपास होता है। ठीक है, 2 से 5 10 दिन का एक डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, पूरे इंडिया में, ऐसा नहीं कि झारखंड में आज हो रहा है तो अब बिहार में होगा आज से 2 महीना बाद, ठीक है, 2 महीना बाद, तो ये चीज़ नहीं है, लगभग 5 10 दिन का डिफरेंस होगा। ठीक है, तीसरा चीज़ है कि फॉलो ऑन इंस्टा एबी एंड साइट। ठीक है, अब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए आपको कैसे पता चलेगा, तो जितने भी इंस्टाग्राम जो चलाते हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, जितने भी साइट हैं, तो आप इंस्टाग्राम में बहुत सारा पेज होगा, ठीक है, जैसे अभी हमारा झारखंड का होगा, झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन, पंजाब का होगा पंजाब एथलेटिक एसोसिएशन, दिल्ली का दिल्ली एथलेटिक एसोसिएशन, इसी तरह एसोसिएशन का पेज होगा, आप उनको फॉलो करके रखें, आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी, और साइट वगैरह में भी चेक करते रहें। ठीक है, आप जैसे लिखोगे बिहार के हो या यूपी के हो, तो यूपी एथलेटिक एसोसिएशन, ठीक है, तो आपको पता चलता रहेगा, आप अपडेट वहाँ पर रहते हो, चेक करते रहना। ठीक है, शुरू बार में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये चीज़ कोई नहीं बताता, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में हमारे जो इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है भाई, टैलेंट भरपूर भरा हुआ है, बहुत सारा टैलेंट ऐसे ही इधर इधर उधर करते करते बेकार हो जाता है, और बाकी हमारा इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा करने वाला भी है जल्द में। ठीक है, तो ये हो गया चौथा, जो तीसरा चीज़ मैं आपको बता दिया, फॉलो ऑन भी इंस्टा जितने भी चीज़ें हैं, और झारखंड बिहार और यूपी वाले लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, ठीक है, उनका अपडेट मैं बता दूंगा, मेरे अच्छे यहाँ पर सर्किल कॉन्टैक्ट हैं इन तीनों स्टेट के आसपास का, मैं आपको बता दूंगा डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह, ठीक है, या फिर कुछ डाल दूंगा अपडेट वगैरह जो भी आते हैं, फ़ोटो वगैरह मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरा इंस्टाग्राम का पता ही है आपको, अंकित_रनर04। ठीक है, और पांचवा जो चीज़ है, AFI स्टेट यूनियन। ठीक है, तो मैं आपको एक नीचे लिंक दिया हूँ, जितने भी हमारे एसोसिएशन है हर स्टेट का, ठीक है, उन एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी है और वाइस सेक्रेटरी, उनका नंबर होगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और वो अगर रिप्लाई नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, इतना पाँचों छः चीज़ सातों चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई चीज़ में तो आप पकड़ ही लोगे, आप पता लगा ही लोगे। ठीक है, तो किसी किसी का उठा ले, किसी किसी का ना उठाएं, वो उनके ऊपर है अब। ठीक है, तो लेकिन आप कोशिश ना करो, ये तो गलत है। ठीक है, तो कोशिश ज़रूर करना, कॉल वगैरह उठ सकता है उनका और नंबर सही रहता है। ठीक है, तो पांचवा हो गया, छठा जो है आपके डिस्ट्रिक्ट का DSO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, उनके बारे में पता लगाइए कि वो कहाँ बैठते हैं, ब्लॉक में हैं, कहाँ पर हैं, उनसे एक बार जाके मिलिए कि सर ऐसा ऐसा बात है, मुझे पार्टिसिपेट करना है, इनके बारे में क्या है। और जो स्कूल वाला जो मैं बताया था दूसरा पार्ट में, स्कूल स्कूल के फिजिकल एजुकेशन के टीचर वगैरह से पूछने के लिए, वो इसलिए बोला था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट मीट होते हैं, ठीक है, जैसे रामगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मीट हो रहा है मेरे यहाँ पर, तो यहाँ के जो एसोसिएशन है वो क्या करते हैं, जितने भी आसपास के स्कूल हैं उनको लेटर भेजते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट मीट आयोजित कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को भेजें, इसलिए आप स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर से पूछते हैं, तो 70% है कि आपको पता लग जाए कि डिस्ट्रिक्ट मीट कब होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट मीट होता है अगल बगल के स्कूल को इनविटेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये DSO को आपको पता लगाना है, या फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का एथलेटिक सेक्रेटरी या फिर अपने स्टेट का एथलेटिक सेक्रेटरी के बारे में पता लगाना है, उनसे अगर कहीं संपर्क हो पाए, मिल पाए, कहीं आप कोई जुगाड़ लगा पाओ, तो वो फिर अलग बात है, वो हो जाएगा। ठीक है, छठा चीज़ है पेपर। देखिए पेपर में कब आता है, जब 3 4 दिन बचा बचा रहता है ना, तो पेपर में भी अनाउंसमेंट आता है कि 3 4 दिन होने वाला है भाई, डिस्ट्रिक्ट मीट होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे एसोसिएशन वाले हैं,
डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वाले वो अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट मीट होने वाला है। तो ये जो मैं आपको सातों चीज़ बताया, ठीक है, ये सातों चीज़ अगर आप कहीं ना कहीं दिमाग लगाते रहते हो तो आपको पता चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट, आपको यहीं से स्टार्ट करना है। अगर आपका ओलंपिक का भी सपना है तो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मुझे बहुत जगह पूछा गया है, तो उन क्वेश्चन का मैं अब जवाब दूंगा, ठीक है। तो पहले आगे सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेगा क्या नहीं, क्योंकि इधर जो क्वेश्चन पूछे हैं लोग उनमें सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे। पहला क्वेश्चन है नरेश से। नरेश भाई ने पूछा है कि 35 साल के बाद क्या हम कंपटीशन खेल सकते हैं? तो जी भाई, आप 35 साल के बाद भी कंपटीशन खेल सकते हैं, बस आपके हाथ में परफॉर्मेंस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी होता है 35 प्लस वाले गेम, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आप फिट है, ठीक है। जैसे कि जस्टिन गैटलिन है, वो 38 साल के हैं, अभी भी वो वर्ल्ड के बेस्ट स्प्रिंटर में से एक हैं, ठीक है, वो 38 साल के हैं फिर भी, तो आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस परफॉर्मेंस होना चाहिए आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है अमित कुमार का, क्या कोई सर्टिफिकेट या पार्टिसिपेशन फॉर्म भरना होता है? तो भाई देखिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट वाले आपको बोलते हैं तो AFI के अंदर जाके आप तुरंत अपना एंट्री कर सकते हो, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI.in, ठीक है, वहाँ पर आप तुरंत एंट्री कर सकते हो। जिस तरह से आप अमेजोन अकाउंट बनाते हो, फ्लिपकार्ट अकाउंट बनाते हो, उसी तरह से अकाउंट बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है गगनदीप से, हाउ मच इवेंट। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, कितना इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या हम लोग 5, 6, 10 इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए, आप मैक्सिमम 2 इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडिविजुअल, ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड कुल मिलाकर, ठीक है, और एक रिले। 18 तक मिडले रिले होता है, जो अंडर 18 होता है 18 साल के नीचे, उसमें मिडले रिले होता है 1000 मीटर, जो चार लड़का दौड़ता है, एक लड़का 100, एक लड़का 200, एक लड़का 300, एक लड़का 400, ठीक है। और 18 के बाद 4x100 मीटर और 4x4x400, ठीक है, ये दोनों रिले होता है। तो ये दोनों रिले में कम्पीट आप कर सकते हो। तो समझ में आ गया, मैक्सिमम इंडिविजुअल 2 इवेंट, या 100-200 कर सकते हो, या 100 लॉन्ग जंप, या 1500 5 किलोमीटर, आपके अनुसार है जो आप कर सकते हो, ठीक है गगनदीप भाई। दूसरा, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा है जुनेद आलम का, क्या स्कूल के बच्चे खेल सकते हैं? देखिए भाई, ये इंडिया का कोई भी बच्चा खेल सकता है, ठीक है। ये स्कूल का गेम जो SGFI होता है, ठीक है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें बस स्कूल के बच्चे खेल सकते हैं। और ये जो गेम है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के द्वारा, इसमें ज़रूरी नहीं आप स्कूल में है कि नहीं है, इसमें बस ये ज़रूरी है कि आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है, आप खेल सकते हो। पांचवा क्वेश्चन है यूनिक स्टार से, कि क्या ये सिर्फ झारखंड के लिए है? नहीं भाई, झारखंड के लिए नहीं, ये पूरे इंडिया में होती है चीज़ें, ठीक है। कोई कोई डिस्ट्रिक्ट वाले डायरेक्ट ट्रायल ले लेते हैं, मीट नहीं ऑर्गेनाइज करवाते, डायरेक्ट ट्रायल लेकर आगे भेज देते हैं स्टेट के लिए, तो आपको कांटेक्ट में रहना जरूरी होगा, ठीक है मेरे भाई। ये सब आपको खुद करना पड़ेगा, कोई आपको करके नहीं देगा, घर में आपको बैठे बैठे नहीं मिल जाए कि भाई आप उसेन बोल्ट तो है नहीं कि सर आपका रेस आने वाला है चलिए, ठीक है। तो भाई आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद थोड़ा लड़ना, खुद संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया यूनिक स्टार वाला क्वेश्चन, जो है सारे स्टेट में होता है, और सारे स्टेट का जो डेट होता है लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। यहाँ अगर 14 अगस्त को स्टेट मीट होगा तो 20 अगस्त 25 अगस्त के आसपास सारा जगह पूरे इंडिया का स्टेट मीट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। छठा क्वेश्चन है सोनी कुमारी का, ठीक है, सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? तो सोनी कुमारी जी, आप सुन रहे हो, डॉक्यूमेंट क्या है आपको, सबसे पहला तो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है। बहुत कोई फर्जी होता है, कोई 25-24 साल का होता है और 18-19 में खेल रहा होता है, कोई 20-22 का होता है, कोई 14 साल में खेल रहा होता है, तो उनके पास कम से कम एक जो बेसिक सा है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो हमारे छावनी से परिषद से बना रहता है वहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए। दूसरा चाहिए आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड तो आपको पता ही है ज़रूरी है, ओरिजिनल आधार कार्ड, कोई छेड़खानी ना, ऐसा नहीं कि डेट ऑफ बर्थ में कुछ और हो, आधार कार्ड में कुछ और हो, तो आप फंस जाओगे, नहीं खेलने मिलेगा, ठीक है। और 10th अगर पास किए हो तो उसका सर्टिफिकेट, और 10th 12th पास किए हो तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। ये हो गया सोनी कुमारी का। सातवां क्वेश्चन है पुतुल कुमारी से, ठीक है, क्या बिना एकेडमी या बिना कोच के पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ये किसी का मतलब किसी का जागीर नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, इंडिया का कोई भी लड़का कोई भी लड़की पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है।
आप अगर आप अपने ग्रुप में 4-5 लड़के हैं तो आप आराम से ग्रुप बनाकर खुद अपना, जैसे हमारा रामगढ़ का है, मेरा ग्रुप का नाम है रफ्तार क्लब, ठीक है, हमारे ग्रुप का, तो रफ्तार क्लब आप, या फिर खुद आप अपना कोई क्लब बना ले, ठीक है, छोटा, 3-4 लड़के मिल के, 5 लड़के मिल के आप अपने इवेंट को डिसाइड करके आप जाके डिस्ट्रिक्ट मीट में एंट्री करवा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हुआ 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है रूबी कुमारी से, क्या कोई भी जा सकता है? देखिए, हाँ, कोई भी जा सकता है, बताया मैं आपको, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है रोशनी कुमारी से, क्या पैसे भी लगते हैं? तो देखिए, पैसे नहीं लगते हैं, कहीं कहीं पे 50-60 रुपये एंट्री फ़ी ले लिया जाता है, ठीक है, कोई कोई पानी खाना वगैरह अगर रिफ्रेशमेंट वगैरह आपको देते हैं। देखिए, ऐसे तो पूरा सरकार से आता है, लेकिन आपको पता है इंडिया का सिस्टम अभी थोड़ा बहुत ख़राब है, तो कभी कभी कहीं से लग जाता है, तो 50-100 लग सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, क्या हम डायरेक्ट नेशनल खेल सकते हैं राजकुमार भाई से? भाई, आपको बहुत जल्दी है डायरेक्ट नेशनल खेलने का। देखिए, डायरेक्ट नेशनल आप 2 जगह खेल सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक है कि डिस्ट्रिक्ट नेशनल, ठीक है, ये वाला जो मैं आपको बताया, देखिए ये निर्जन, ये 16 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए है, वो डायरेक्ट नेशनल खेल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नेशनल आप खेल सकते हैं जब आप डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करेंगे, तो ये डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका जो स्टेट होता है, इस जोन होता है, उस दोनों को स्किप करके आपको डायरेक्ट नेशनल लिया जाता है, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं सारे में कम्पीट किया जाता है, तो ये एक नेशनल होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है ग्रैंड पिक्स, ठीक है, ग्रैंड पिक्स में आप पैसे दे के खेल सकते हो, और उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा, समझ में आ गया। 11वां जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिधिमा कुमारी से, वो ये है कि सर, मैं रहती हूँ केरला में, ठीक है, और अभी पढ़ाई कर रही हूँ पंजाब में, ठीक है, तो क्या मैं पंजाब से खेल सकती हूँ? तो देखिए, अगर आप दूसरे स्टेट में हैं, ठीक है, रिसेंटली अगर वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप उस स्टेट से खेल सकते हैं, ठीक है, आपको रोक टोक नहीं किया जाएगा, ठीक है, और किया जाएगा तो आप अपने वहाँ के सेक्रेटरी वगैरह से बात करके आप खेल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिहार से भी खेल रहे हैं, झारखंड से भी खेल रहे हैं, दोनों जगह से नहीं, आप बिहार के हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप झारखंड में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप यहाँ से खेल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप बात कर सकते हैं सेक्रेटरी का, या फिर आप जहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जिस इंस्टीट्यूट में, उस इंस्टीट्यूट के अंदर से खेल सकते हैं, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट को बोल सकते हैं, वो खेलवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सिस्टम है हमारे यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करना है। देखिए, इधर इसमें बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का मेडल, देखिए इधर होगा डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और बहुत सारा स्टेट का मेडल है, देखिए स्टेट, झारखंड स्टेट, झारखंड स्टेट, ये देखिए स्टेट, ठीक है। अब उसके बाद स्टेट के बाद आता है इस जोन का मेडल, देखिए इस जोन का मेडल ये है, इस जोन का सिल्वर मेडल ये है मेरा, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल का मेडल, ठीक है, अब ये है नेशनल मेडल, और ये जितने भी मेडल है ना, ये लगभग इसमें से 95% गोल्ड मेडल है, ये सब इतने दिन के कारण सब में जंग लगते लगते गया है, सब ये सब सारा गोल्ड मेडल है, सब अब ब्रॉन्ज की टाइप का दिखने लगा। ये है खेलो इंडिया का मेडल, मेरे छोटे भाई का है, पिछले साल ही लाया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दिक्कत अब डिस्ट्रिक्ट मीट में आपको किस तरह से खेलना है, करना खुद है भाई, ठीक है। इतना बड़ा वीडियो मैं आपको इसलिए बताया, मेरा चैनल का मकसद ही नहीं है कि यार पैसा कमाना, पैसा छापना, या थंबनेल ऐसा बना देना कि इसको पी लो और आप बहुत तेज़ दौड़ जाओगे, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लोगे, 20 सेकंड कम कर लोगे। मेरा मेन मकसद है यार, जो मुझे बचपन में जो दिक्कत हुआ, मुझे भी यही दिक्कत होता था कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ खेले, रेस तो अच्छा था मेरे पास, लेकिन कहाँ खेलें, मौका ही नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे मैं सीनियर प्लेयर लोग से टच में आया, फिर उनके साथ खेलना स्टार्ट किया, फिर मेडल लगाया नेशनल वगैरह में, ठीक है। तो आपका भी सही ऐसे ही स्टार्ट होगा मेरे भाई, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अब भी कुछ रह जाता है तो कमेंट करना, हो सके तो मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि यार सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता यार, सारा काम बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारा इसमें यूट्यूब में, सब जगह दिक्कत हो जाता है यार, इसीलिए कभी बुरा मत मानना, मैं जितना हो सके उतना कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको ज़्यादा जिस चीज़ टॉपिक पे डाउट होगा मैं वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। और किन किन एज कैटेगरी में, ठीक है, किन किन उम्र में कौन कौन सा इवेंट है, कौन कौन सा इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। और सारे इवेंट का जो है, जूनियर और सीनियर दोनों का मैं रिज़ल्ट दे दिया हूँ पिछले साल का, कि क्या रिज़ल्ट जाता है। अगर आप नेशनल का सोच रहे हो कि 14 में क्या रिज़ल्ट जाएगा, 16 में, 18 में, तो मैं जूनियर और सीनियर दोनों का फुल रिकॉर्ड दे दिया हूँ, या फिर आप afi.in से जाकर रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। धन्यवाद, ठीक है। अब भी कोई दिक्कत हो तो फिर बोलना, मैं फिर वीडियो बना दूँगा, ठीक है भाई।
तो डिस्ट्रिक्ट खेलने का यही हमारा प्रोसीजर था। अब डिस्ट्रिक्ट आप मेरे ख्याल से खेल लोगे। इस बार का जो डिस्ट्रिक्ट है वो नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने अपने जिस चीज़ से जिस तरह से मैं बताया अपना सोर्स लगाना स्टार्ट कर दो इधर उधर से, ठीक है मेरे भाई। अब इससे अच्छा वीडियो तो मुझे नहीं लगता कि आपको मिल सकता है रनिंग में, अगर आपको करियर बनाना है तो, ठीक है। यहीं से स्टार्ट होगा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ईस्ट जोन, नेशनल, एशियन चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल, यही सब आपको आगे मिलते जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा लंबा खींचते नहीं हैं, हो चुका है जो होना था, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।